Okay, everybody, a very good morning, and good morning from day hike. We are going to Jogni Waterfall, जो कि मनाली में आता है, वशिष्ठ में आता है. और जुगनी वाटरफॉल जाने के लिए आपको बेस्ट वे में बताऊंगी भांग. आप किसी भी गाड़ी वाले को, ऑटो वाले को, या फिर आप गाड़ी लेके लोकेशन डाल दो. राइट नाउ आई एम स्टार्टेड हाइकिंग का हाफ रही हूँ, शुरू ही किया है जस्ट. तो यस, 3 किलोमीटर का ट्रैक टिल जोगनी वाटरफॉल. विल टेक यू अलॉन्ग, लेट्स गो. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यही वाटरफॉल है, जोगनी वाटरफॉल. गाइस, दिस इज़ नॉट जोगनी वाटरफॉल. जोगनी वाटरफॉल जाने के लिए यू हैव टू ट्रैक अराउंड हाफ एन आवर 40 मिनट्स, एंड यू विल सी द ह्यूमंगस ब्रेथ टेकिंग ब्यूटिफुल वाटरफॉल अप देयर. सो या, वेन एवर यू आर हियर, मेक श्योर यू डोंट स्टॉप हियर, जस्ट गो. थोड़ा सा मेहनत कर लो और हाफ एन आवर की हाइक है वो करके आप ऊपर जाओ.
इट्स वर्थ गोइंग देयर। तो ट्रैक से वापस आते आते हमें भूख लग गई और मैं मेरे फेवरेट कैफ़े, जो कि मनाली का मेरा फेवरेट कैफ़े है, फोनसॉक कैफ़े, जहाँ ऑथेंटिक तिब्बतन फूड मिलता है और ये अंकल आंटी है यहाँ पर जो इस कैफ़े को ओन करते हैं, बहुत ही दिल से और बहुत ही ऑथेंटिकली खाना बनाते हैं। लाइक यहीं पर वो रहते भी और यहाँ छोटा सा कैफ़े है जहाँ पर पीछे बैठने के लिए आपको गार्डन टाइप की छोटा सा है, वहाँ पर सिटिंग है, वहाँ आप बैठ सकते हो और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही दिल से जब सर्व करता है ना कोई, तो वो खाना ऑटोमेटिकली अच्छा लगता है। और यहाँ का तिब्बतन फूड इज़ माई फेवरेट, लाइक मोमोज, थुक्पा और रोस्टी हो गया। एंड इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन, नॉन वेज ऑप्शंस भी अवेलेबल है, बट आई एम वेजिटेरियन सो मैंने वेज थुक्पा ऑर्डर किया था एंड वाज सो गुड। तारिका को भी बहुत पसंद आया, भैया को भी बहुत पसंद आया एंड वी ऑल इन्जॉयड आर मील ओवर देयर आफ्टर अ गुड 6 किलोमीटर हाइक। एंड वहाँ से निकलने के बाद हमने ऑटो लिया टूवर्ड्स ओल्ड मनाली और हम ओल्ड मनाली पहुँच गए। कुछ 150 रुपये लिए भैया ने, बिकॉज सीजन चल रहा है, थोड़े ज़्यादा ही रेट बढ़े हुए हैं सब चीज़ के। तो वशिष्ठ चौक से ओल्ड मनाली तक के उन्होंने 150-200 रुपये लिए और फिर हम पहुंच गए ओल्ड मनाली। ओल्ड मनाली में तो आपको वॉक ही करना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि यार इतनी सकरी सकरी सी गलियाँ, यहाँ पर भी लोग अपनी गाड़ियाँ लेकर आ जाते हैं विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, और फिर टूरिस्टी प्लेस का वाइब भी ख़त्म हो जाता है। और ये और फिर यहाँ पर आप मनु टेम्पल विज़िट कर सकते हो और ओल्ड मनाली की गलियों में घूमते हुए पुराने पुराने घर, जो कि आज भी काठगुनी स्टाइल वाले, पहले ओल्ड मनाली में जो घर हुआ करते थे वो आज भी हैं, तो वो आपको ओल्ड मनाली में ही प्रॉपर देखने को मिलेंगे। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आप ऐसे पुरानी वाइब और पुराना फील लेना चाहते हैं मनाली का, तो मस्ट 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 विजिट ओल्ड मनाली। क्योंकि पिछली बार जब मैं मनाली में थी महीने के लिए, एक 1 मंथ मैं रुकी हुई थी वहाँ वर्केशन के लिए, तो मैं यहीं पर रहती थी और ओल्ड मनाली वाली वाइब मुझे बहुत पसंद है यहाँ पर। इस तरीके से आप विलेजर्स से बातें कर सकते हो, उनके दिनचर्या के बारे में जान सकते हो, बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत ही शांति होती है टू बी ऑनेस्ट वहाँ पर, तो ज़रूर जाइएगा। अभी हमारा इसी तरीके से ओल्ड मनाली में और रिवर साइड पर बैठ के कुछ अच्छा सा हनी टार्ट केक खाया मैंने मेरी फेवरेट बेकरी से लेके, जो कि है जर्मन बेकर्स इन ओल्ड मनाली, वहाँ से लिया और नदी किनारे बैठ के आराम से इन्जॉय किया और साथ में सनसेट भी हो रहा था। बट हाँ, इतना अच्छा सनसेट यहाँ से तो नहीं दिख रहा था, बट ये रिवर के साइड पे बैठ के ऐसे मस्त केक खाने का मज़ा ही कुछ और है। और कुछ इसी तरीके से इस दिन की यहाँ पर जो है हम मतलब दिन को एंड करते हैं, आपसे मिलूंगी अगले व्लॉग में। और ये दिन ऐसे ही ख़त्म हो गया, अगले दिन हम किस एडवेंचर के लिए जाने वाले वो आपको अगले व्लॉग में पता चलेगा। टिल देन टाटा, बाय बाय, नमस्ते।